रामकृष्ण और शंकर का जो सम्मान है, ये तीन जो है प्रमुख देवता है। उन्होंने इन तीनों के जो विख्यात स्थान रहे हैं, प्रसिद्ध स्थान रहे हैं, जहाँ पर वो कहीं पैदा हुए हैं, वो उनको ध्वस्त किया केवल अपमानित करने के लिए। महंत अवैद्यनाथ वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्लियामेंटेरियंस फ्रॉम हिंदू महासभा। He represented Gorakhpur 4 times as an MP. The Cobra Post reporter tells him that L.K. Advani has announced that the demolition of the Babri Masjid was a big mistake. And if I am a Hindu, I am proud of being a Hindu. Mahant Avedinath expresses fierce displeasure. Hindu Dham mein. Abhi kal ka faisla to dekha hoga aapne, Supreme Court ne keh diya ki bantwara nahi hona chahiye. हमारा 6 दिसंबर की पूरी पृष्ठभूमि पर था कि हम लोग पीछे क्यों हट रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं स्वीकार करते कि हम लोगों ने ढांचा को ध्वस्त किया, उस पर है पूरा। कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी है, वो बिल्कुल कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सबसे बड़ी आडवाणी जी कहते हैं हमारी सबसे बड़ी जिंदगी की भूल थी। आडवाणी बहुत जो है राम भक्त जो है वो मस्जिद बनी है राम मंदिर, उसको ध्वस्त कर लेते हैं कौन बनी। अभी अरुण जेटली जी का भी बयान था कि हम हिंदुत्व को इस्तेमाल करते हैं, ये खुलासा हुआ था विकिलीक्स एक इस्तेमाल, जब जी जरूरत होती तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हमारे लिए एक इस्तेमाल करने की हम पार्टी को Mahant Avedyanath is severely critical of L.K. Advani's apology over the destruction of the Babri Masjid. He says, "Unko to zinda nahi rehna chahiye." Further, he tells a reporter that BJP members were involved in the event in their personal capacity and not as party members. It was only the president who was involved as a BJP representative because he wanted Hindu votes. In his words, BJP wale jo hain, unhe vyaktigat roop se aaye, wo party ke roop mein nahi aaye. Party ke roop mein president the, kyunki vote unka jo hai, Hinduon se milta hai. Lekin is ladai ko pura Vishwa Hindu Parishad ne lada. बीजेपी वाले गए होंगे जे टिकट को, पार्टी के रूप में नहीं आए, पार्टी के रूप में प्रेसिडेंट से क्योंकि उनकी भी वोट उनको हिंदू मिलता है, इसलिए समर्थन कर सकते हैं।
लेकिन इस लड़ाई को अशोक सिंघल जी चाहते थे मन से कि यहाँ पर अशोक सिंघल तो सारे आंदोलन के प्राण रहे हैं जी, अभी छह दिसंबर को क्या उनकी मंशा थी महाराज, वो मतलब थे फेवर में कि ये ढांचा ढहे या वो भी और नेताओं की तरह? नहीं, क्योंकि वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे। हाँ, विश्व हिंदू परिषद द्वारा नहीं जोड़ा है जी, इसमें जो लोग आर्थिक कार्य सेवा के लिए जुड़ाते थे जी, कभी उनके बाद जुड़ा कभी कुछ, तो उन्होंने कहा तुम लोग हमको बुलाते हो जी, और कभी बालू बुलाते हो कार सेवा के लिए बुलाते हो जी, और कार सेवा में जो पुराने व्यक्ति ने उसको ध्वस्त करने की काफी नहीं करते जी, तो जब वो आए उन्होंने कहा नहीं, अब हम तुम्हारे कहने से जो है तो बालू को नहीं जुड़ाएंगे, हम ध्वस्त करेंगे पुरानी कुर्सी जी। ये लोग नहीं चाहते थे कि अभी टूटे हुए जी, लड़ाई चल रही थी, तो फिर उसके बाद आप लोग वेदांति जी महाराज ने बताया कि हिंदू धाम में एक आप लोगों ने गुप्त मीटिंग की थी जिसमें बीजेपी को भी नहीं बुलाया था, ये सच है ढांचा को तोड़ने के लिए? बीजेपी तो आई नहीं जी उस मीटिंग में जी, आंदोलन से जो जुड़े थे जी वही हो उस मीटिंग में। हाँ, मीटिंग उन्हीं की बुलाई गई जी, विश्व हिंदू परिषद के केवल विश्व हिंदू परिषद से कौन कौन था? सभी नेता अशोक सिंघल जी, विष्णु हरि डालमिया जी, उसमें अभी जो केस चल रहा है जी, उसमें सब लोग जो हैं वो एक्यूज्ड हैं। उसमें हमारा जो मतलब मीटिंग में जो मीटिंग हुई थी वो 5 दिसंबर को थी मीटिंग, संत समाज से कौन कौन था? पांच बहुत दिन की बात, प्रमुख लोग जो आपको याद हों? प्रमुख लोग जो इंडिया में रहते हैं, बाहर रहते हैं, पिंगले जी, पिंगले जी महाराज, बामदेव जी महाराज, जी 5 दिसंबर की मीटिंग जो थी जी, जी तो उस मीटिंग में क्या प्रस्ताव रखा गया हमारा? प्रस्ताव नहीं, लेकिन वहाँ जो लोग आए थे कार सेवा के लिए, उन्होंने कहा था हम कार सेवा करने के लिए आए हैं, तुम हमेशा बुलाते हो, तुम बाजू बुलाते हो, कभी कुछ कराते हो, अब हम हिंदी के हैं। वो विश्व हिंदू परिषद के कार सेवक थे या फिर बीजेपी के या कौन जो और जो कार सेवक बुलाए गए थे? Mahant Avedanath says the demolition of Babri Masjid was the doing of the Vishwa Hindu Parishad. Then why do Uma Bharti and Sadhvi Rithambara refuse to have anything to do with the event? The reporter puts the question to Mahant Avedanath. 6 December ko hi hai hamara, hum Uma ji se hi mile, Rithambara ji se mile, Acharya Dharmendra ji se hi mile, sare log kehte hain ki hamara koi lena dena, humne kuch bhi nahi kiya. वहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया 6 दिसंबर पे। बात ये करते भी हैं ना लोग, हम कह देंगे यदि देगा जुगाड़ में तो कल कोई बात होगी तो बजट स्टार्ट करें,
सर 18 साल से अगर नहीं गिरफ्तार हुआ और इस मसले पे भगवान के लिए अगर कोई जेल भी चला जाएगा तो आंदोलन को और गति मिलेगी, दूसरा खड़ा हो जाएगा। Mahant Avedana tells the reporter that those who do not admit to their involvement in the demolition of the mosque fear legal consequences. In his words, बाकी डरते भी हैं ना ये लोग कि हम कह देंगे अखबारों में तो कल कोई बात होगी तो बस गिरफ्तार कर लेंगे। Will he give us the names of the leaders who wanted the Babri Masjid to be demolished? The answer is a subtle no. कुछ लोगों ने तो उत्साह बढ़ाया, कौन कौन लोग थे महाराज तो नारे जिन्होंने लगाया? अब मैंने उनका नाम नोट करके तुमको बता दें तो डायरी में लिखकर बाद में जो है कौन जरूरत है। जी जी आना चाहिए नाम तुम्हारा, आना चाहिए तो जो गए हैं पहले उनसे पूछ लिया जाएगा कि तुम्हारा नाम दे दें। जी एक आध नाम बता दीजिए। अच्छा नहीं छापेंगे तब बता दीजिए, हमारी जानकारी के लिए। देखिए सब लोग चाहते थे, हरे गांधी चाहते था, जहाँ विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, राम मंदिर से जुड़े थे, वो सभी लोग चाहते थे। लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले।